नमस्कार दोस्तों, डिकोड एग्जाम के इस ऑनलाइन पोर्टल पर मैं प्रशांत आप सबका स्वागत करता हूं। इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे इम्पोर्टेंट इंडेक्सेस को और उसमें हम भारत की रैंक क्या है इसे देखेंगे। इस लेक्चर को शुरू करने से पहले मैं कहना चाहूँगा कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि इस चैनल पर इसी तरह के नए नए लेक्चर हम लेकर आते रहते हैं जो कि आपकी परीक्षाओं के लिए बेहद महत्वपूर्ण होते हैं। तो चलिए इसी के साथ हम इसे शुरू करते हैं। तो देखिए, जो महत्वपूर्ण इंडेक्स हैं जिनसे परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं उन्हें ही केवल हमने इस लेक्चर में शामिल किया है। साथ ही साथ क्या क्या पूछा जाता है उसे हम समझ लें। तो पहले तो ये पूछ लेगा कि विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट कौन जारी करता है, या इसी तरह से किसी भी रिपोर्ट को ये पूछ लिया जाएगा कि कौन जारी करता है इस इंडेक्स को, कौन जारी करता है। ठीक है, तो जारी करता है। उसके अलावा प्रथम स्थान पर कौन रहा, अंतिम स्थान पर कौन रहा, और सबसे महत्वपूर्ण कि उस इंडेक्स में भारत की रैंक क्या रही। ठीक है, तो इन्हीं सब पैरामीटर्स पर हम इन्हें देखेंगे। तो सबसे पहले शुरू करेंगे विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट 2019 से। तो जारीकर्ता कौन है, तो संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क UNSDSN द्वारा ये जारी किया जाता है विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट। इसमें जो है प्रथम स्थान पर फिनलैंड रहा, उसके बाद जो है डेनमार्क और नॉर्वे का स्थान रहा। ठीक है, अंतिम स्थान यानी सबसे कम प्रसन्न देश इस रिपोर्ट के अनुसार जो है रहा दक्षिणी सूडान, और भारत का स्थान रहा 140वां। कुल कितने देश इसमें थे, तो 156 थे, और 156 में भारत का स्थान 140वां रहा, यानी जो है भारत बहुत कम प्रसन्न देश है इस रिपोर्ट के हिसाब से। 2018 में हमारा रैंक था 133वां। ठीक है, 2018 में भारत का रैंक 133वां था, 2019 में 140वां है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक, इससे जो है काफी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इसका जारी करता है रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स, इसे जारी करता है। ठीक है, इस इंडेक्स को रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स द्वारा बनाया जाता है। प्रथम स्थान पर कौन है, तो सबसे अधिक प्रेस की स्वतंत्रता नॉर्वे में है इस रिपोर्ट के अनुसार। अंतिम स्थान पे कौन है, तो तुर्कमेनिस्तान है। ठीक है, रिपोर्ट के अनुसार जो है सबसे कम प्रेस की स्वतंत्रता जो है इस देश में है, यानी जो है प्रेस का गला यहाँ पर घोंट दिया गया है। भारत का स्थान, कुल 180 देश इसमें शामिल थे, उसमें से 140वां स्थान भारत का है, और 2018 में भारत का स्थान 138वां था। ठीक है, हालांकि हम लोग देखते हैं टीवी पर तो हमें तो लगता है कि भारत में प्रेस काफ़ी स्वतंत्र है, लेकिन इस रिपोर्ट के अनुसार ऐसा नहीं है। अगला, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स, ये बहुत महत्वपूर्ण है, इससे कई परीक्षाओं में लगातार प्रश्न पूछे गए हैं। तो 2020 ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स कौन जारी करता है, तो वर्ल्ड बैंक इसे जारी करता है, विश्व बैंक जारी करता है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स में जो है प्रथम स्थान है न्यूजीलैंड का। ठीक है, तो न्यूजीलैंड में बिजनेस शुरू करना काफ़ी आसान है। सबसे खराब स्थिति किसकी है, यानी अंतिम स्थान पर कौन है, तो सोमालिया है। ठीक है, ये तो फेल्ड स्टेट है सोमालिया। भारत का स्थान, तो कुल 190 देशों में भारत का स्थान है 63, 2019 में 77। तो भारत ने काफ़ी जो है अच्छा किया है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स में। ठीक है, काफ़ी जो है कारोबार करने में आसानी धीरे धीरे भारत में आ रही है। अब अगला, वैश्विक शांति सूचकांक। ठीक है, तो कौन इसे जारी करता है, ऑस्ट्रेलियन थिंक टैंक इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमी एंड पीस टैप द्वारा इसे जारी किया जाता है वैश्विक शांति सूचकांक को। तो वैश्विक शांति सूचकांक के अनुसार आइसलैंड जो है ये काफ़ी शांत देश है। अंतिम स्थान किसे मिला है, तो अफगानिस्तान को मिला है, ये काफ़ी अशांत देश है। भारत का स्थान 163 देशों में है 141वां। ठीक है, तो ये भी एक प्रकार से अशांत देश ही हुआ। 2018 में भारत का स्थान था 136वां। ठीक है, तो 2018 के मुकाबले स्थिति खराब हुई है। अब देखिए, ग्लोबल हंगर इंडेक्स आ गया, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। ठीक है, कौन जारी करता है, तो कंसर्न वर्ल्ड वाइड एंड वेल्ड
हंगर लाइफ द्वारा इसे जारी किया जाता है। प्रथम स्थान पे कौन है इस रिपोर्ट में? बेलारूस, ठीक है। और अंतिम स्थान मध्य अफ्रीकी गणराज्य, ठीक है। कुल कितने देश रहे इसमें शामिल? तो 177 देशों के आधार पर इस इंडेक्स को बनाया गया। भारत का स्थान है 102, ठीक है। और 2018 में कितना था भारत का स्थान? तो 103। भारत की स्थिति जो है इस इंडेक्स में काफ़ी ख़राब है, पाकिस्तान, नेपाल, श्रीलंका इन सबसे नीचे जो है भारत का स्थान है, ठीक है। वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2019 कौन जारी करता है? तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम WEF इसे जारी करता है। प्रथम स्थान पर कौन है? सिंगापुर है। अंतिम स्थान पर कौन है? तो चाड है। कमेंट करके बताइए कि किस महाद्वीप में जो है चाड देश है। और भारत का स्थान, भारत का स्थान है 141 देशों में। 2018 में कितना स्थान रहा? तो 58 रहा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2018, पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2018 दो साल पे जारी होता है, तो 20 में अब आएगा अगला। जारीकर्ता संस्था तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, ठीक है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम काफी जो है महत्वपूर्ण है। तो वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक और पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक दोनों जो है इसी के द्वारा जारी किया जाता है, ठीक है। प्रथम स्थान पर कौन रहा पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में? तो स्विट्जरलैंड। अंतिम स्थान बुरुंडी का रहा। और भारत का स्थान रहा कुल 180 देशों में 177, यानी बहुत खराब स्थिति भारत की रही 2018 में, जबकि 2016 में भारत का स्थान था 141, ठीक है। इंक्लूसिव इंटरनेट इंडेक्स 2019 कौन जारी करता है? इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट ने इसे बनाया है। प्रथम स्थान पर इसमें है स्वीडन, अंतिम स्थान है कांगो का, और भारत का स्थान है कुल 100 देशों में 47वां, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग, ये सब उतने महत्वपूर्ण नहीं है लेकिन हमने इसे भी शामिल किया, ठीक है। तो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट IMD इस रिपोर्ट को बनाता है या जारी करता है वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग। प्रथम स्थान पर है स्विट्जरलैंड, अंतिम स्थान है मंगोलिया का। कुल देश इसमें शामिल हुए थे 63, उनमें से जो है भारत का स्थान 59 है, 59 है, ठीक है। अगला ग्लोबल हेल्थ सिक्योरिटी इंडेक्स 2019, ठीक है। तो कौन जारी करता है? न्यूक्लियर थ्रेट इनिशिएटिव और इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट, ये दोनों मिलकर के इसे बनाते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका इसमें नंबर 1 पे है और भारत का स्थान है 57 कुल 195 देशों में। तो ग्लोबल हेल्थ सिक्योरिटी इंडेक्स। अब आगे बढ़ते हैं। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2019, तो ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो कौन इसे जारी करता है? तो संयुक्त रूप से कार्नेल विश्वविद्यालय, इनसीड और संयुक्त राष्ट्र संघ की एजेंसी विश्व बौद्धिक संपदा संगठन द्वारा इसे जारी किया जाता है ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स को। प्रथम स्थान पर इसमें कौन है ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में? तो स्विट्जरलैंड प्रथम स्थान पे है, यमन अंतिम स्थान पर है, और कुल 129 देशों में 52वां स्थान है भारत का, जबकि 2018 में यानी पिछले वर्ष भारत का स्थान था 57 यानी 57। अगला SDG जेंडर इंडेक्स 2019, इसे पहली बार जारी किया गया है इसलिए यह महत्वपूर्ण है। जारी करता संस्था इक्वल मेजर 2030, ठीक है। यह जारी करता संस्था है इसके। प्रथम स्थान डेनमार्क को इसमें मिला है, अंतिम स्थान चाड का है, और कुल 129 देशों में भारत का स्थान है 95। अगला ये काफी महत्वपूर्ण है QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2020। प्रथम स्थान मैसाचुसेट इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, तो ये लगातार 8 बार से प्रथम स्थान पे आ रहा है मैसाचुसेट इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। भारत का प्रदर्शन कितना रहा? तो IIT बॉम्बे को इस जो है रैंकिंग में 152 रैंक हासिल हुआ है
वर्ल्ड वाइड। लेकिन अगर भारत की बात करें तो भारत में जो है आईआईटी बॉम्बे लगातार दूसरे वर्ष भारत के सर्वश्रेष्ठ विश्वविद्यालय का दर्जा इसे मिला है। ठीक है, तो भारत में आईआईटी बॉम्बे फर्स्ट है, वर्ल्ड वाइड 152 इसकी रैंक है, और भारत में दूसरे स्थान पर है आईआईटी दिल्ली, और इसका जो है स्थान है 182। ठीक है, अब बात करते हैं आईएमडी विश्व प्रतिस्पर्धा रैंकिंग 2019 की। इसे कौन जारी करता है? इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट द्वारा जारी किया जाता है इसे। प्रथम स्थान पर कौन है? तो सिंगापुर, हांगकांग दूसरे और यूएस तीसरे स्थान पर है। अंतिम स्थान पर वेनेजुएला है और भारत 63 देशों में 43वें स्थान पर खड़ा है, जबकि 2018 में भारत की रैंक 44वीं थी। अब आगे बढ़ते हैं, जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2019, तो कौन जारी करता है? जर्मन वाच न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क द्वारा इसे जारी किया जाता है। प्रथम स्थान पर है स्वीडन और दूसरे स्थान पर मोरक्को इस सूचकांक में। अंतिम स्थान पर है सऊदी अरब और भारत का स्थान है 11वां कुल 56 देशों में। ठीक है, अगला ये काफी महत्वपूर्ण है, वैश्विक प्रतिभा प्रतिस्पर्धा सूचकांक। वैश्विक प्रतिभा प्रतिस्पर्धा सूचकांक इसे कौन जारी करता है? तो इनसीड बिजनेस स्कूल टाटा कम्युनिकेशन एडको ग्रुप के द्वारा इसे जारी किया जाता है। प्रथम स्थान पर कौन है? स्विट्जरलैंड है, और भारत का स्थान कौन सा है? तो 125 देशों में भारत का स्थान है 80। ठीक है, अगला ये भी काफी महत्वपूर्ण है, अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2019। प्रथम स्थान है इसमें संयुक्त राष्ट्र अमेरिका का और भारत का स्थान है 36वां। ठीक है, अगला आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2019। आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2019 कौन जारी करता है? द हेरिटेज फाउंडेशन इसे जारी करता है। प्रथम स्थान पर है हांगकांग और दूसरे स्थान पर है सिंगापुर, और भारत का स्थान 186 देशों में 129वां है आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2019 में। तो आर्थिक रूप से यहाँ स्वतंत्रता नहीं है। अगला इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2019। अब ये जो दोनों इंडेक्स हैं ये काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाएंगे, क्योंकि इन्हें नीति आयोग जारी कर रहा है। ठीक है, तो इन्हें ध्यान में रखिएगा। तो जारीकर्ता संस्था इंडिया इनोवेशन इंडेक्स की नीति आयोग। प्रथम स्थान मिला है कर्नाटक राज्य को इस इंडेक्स में, और अंतिम स्थान मिला है झारखंड राज्य को इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2019 में। इसमें जो है आप देखिए कि उत्तर प्रदेश को कौन सा स्थान मिला है। ठीक है, अगला स्कूल एजुकेशन क्वालिटी इंडेक्स 2019। स्कूल एजुकेशन क्वालिटी इंडेक्स 2019 जारी करता नीति आयोग, तो इसे भी नीति आयोग ने जारी किया है। प्रथम स्थान इसमें केरल राज्य को मिला है और अंतिम स्थान है इसमें उत्तर प्रदेश का। ठीक है, स्कूल एजुकेशन क्वालिटी इंडेक्स में तो इंडिया इनोवेशन इंडेक्स और स्कूल एजुकेशन क्वालिटी इंडेक्स ये दोनों नीति आयोग ने जारी किया है। अगला ट्रेवल एंड टूरिज्म कॉम्पिटिटिव इंडेक्स 2019 कौन जारी कर रहा है इसे? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। प्रथम स्थान पर कौन है? स्पेन। भारत का स्थान कुल 140 देशों में 34वां और 2017 में भारत का स्थान था इसमें 40वां। ठीक है, अगला विश्व बैंक मानव पूंजी सूचकांक 2018। विश्व बैंक मानव पूंजी सूचकांक तो जारीकर्ता संस्था है विश्व बैंक इसे जारी करता है। प्रथम स्थान पर है सिंगापुर, अंतिम स्थान पर है चाड, और भारत का स्थान है 115 कुल 157 देशों में। आगे बढ़ते हैं भ्रष्टाचार बोध सूचकांक, तो ये भी महत्वपूर्ण इंडेक्स है। कौन जारी करता है इसे? तो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा इसे जारी किया जाता है भ्रष्टाचार बोध सूचकांक को। डेनमार्क प्रथम स्थान पर है, सोमालिया अंतिम स्थान पर है, और भारत का स्थान है 78वां कुल 180 देशों में। और अगला हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2019, किस देश का पासपोर्ट कितना मजबूत है ये बताता है।
प्रथम स्थान है जापान और सिंगापुर का संयुक्त रूप से। तो जापान और सिंगापुर का पासपोर्ट दुनिया में सबसे मजबूत पासपोर्ट है, तो दुनिया किसी भी देश में जो है बड़े आराम से लोग जा सकते हैं। सबसे खराब हालत है अफगानिस्तान के पासपोर्ट की, अंतिम स्थान से मिला है, ठीक है। और भारत का स्थान जो है वो 82, ठीक है। तो कुल 59 कंट्री या तो वीजा ऑन अराइवल और या तो विदाउट वीजा भारतीयों को अपने देश में प्रवेश इस समय दे रही हैं, ठीक है। तो ये हेनले पासपोर्ट इंडेक्स के वेबसाइट से ये उठाया हुआ है, तो एकदम लेटेस्ट है, 82 ही है रैंक इसका, ठीक है। अगला, मानव विकास सूचकांक 2018, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। मानव विकास सूचकांक काफ़ी इससे प्रश्न पहले पूछे गए हैं। इसे कौन जारी करता है? संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम द्वारा ये जारी होता है। प्रथम स्थान है इसमें नॉर्वे का, अंतिम स्थान है नाइजर का, और भारत का स्थान है इसमें 189 देशों में 130वां, ठीक है। तो इस प्रकार से जितने भी महत्वपूर्ण इंडेक्स रिपोर्ट रही, उसमें भारत का क्या स्थान रहा, कौन शीर्ष पे रहा, कौन अंतिम रहा, सबको हमने देखा। तो कमेंट करके मुझे बताइएगा मेरा ये प्रयास आपको कैसा लगा। मिलता हूँ इसी तरह के किसी अगले लेक्चर में, तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार।